हेलो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों को नर्सरी की एंट्री की वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ। धारिया फार्म है लीमखेड़ा में, झालोद रोड पे आप देख सकते हो, मेन रोड के सामने ही है। और ये जो है अंकल इस नर्सरी के सेट है, और आप देख सकते हो मैं एंट्री हो गई हूँ अंदर मेन गेट से। यहाँ हर तरह की आपको फूल और फल और शो पीस जैसा जो चाहिए आपको, इंडोर आउटडोर हर एक चीज़ आपको प्लांट मिल जाएगी। और मैंने जो है गुलाब और लींबू की प्लांट ली हूँ यहाँ से, जो है कलम लींबू और गुलाब ली हूँ मैं। वो लोग आपको लोगों को दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। आप यहाँ देखिए, बहुत बड़ा फार्म है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आप यहाँ आइए, अगर कोई दाहोद झालोद के हैं तो आप लोगों को लीमखेड़ा आप आइए। लीमखेड़ा आकर आप यहाँ पर झालोद रोड पर ये नर्सरी है, आप यहाँ देख सकते हो मेन रोड के पास में है नर्सरी। हर तरह की आप देख सकते हो, हर तरह की आप में देखिए। यहाँ पर लींबू है, यहाँ जो है ये 300 की है लींबू, जो कलम लींबू है जिसमें फूल भी आ गई है। आप देख सकते हो ऐसे फूल आई है, लेकिन मैं 300 वाली लींबू नहीं ली हूँ, मैं 200 वाली ली हूँ जो छोटी पॉलीथीन में होती है। यहाँ पर कैसा है कि छोटी पॉलीथीन और बड़ी पॉलीथीन में ही रेट होती है, तो आप लोगों को एक दिखा रही हूँ। ये ऐसी है, ये छोटी पॉलीथीन, ये है बड़ी पॉलीथीन, इसकी रेट ज़्यादा होती है, इसकी रेट कम होती है। आप लोगों की ये है ना फ्रूट, और यहाँ पर सब साल वगैरह है, हर एक गुड्डल है, हर एक तरह की को प्लांट मिल जाएगी। ये है फनस जिसे कटहल बोलते हैं, ये वो वाली है। हर एक तरह का की आपको जो है यहाँ पर ये मिल जाएगी। और यहाँ से मैंने खरमंगे भी ली हूँ, वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और रही बात गुलाब, मैं आप लोगों को गुलाब भी दिखाऊंगी। गुलाब किधर है, मैं अभी गुलाब भी ली हूँ यहाँ से गुलाब भी ली हूँ। आप देख सकते हैं हर तरह के प्लांट हैं यहाँ, शोपीस भी है, आप जो चाहो वो सीजनल प्लांट भी है। देखो सीजनल प्लांट भी है, आप सीजनल प्लांट भी लगा सकते हो घर पर। ये आप देख सकते हैं हर तरह की चीज़ें हैं, अवेलेबल है। मैं अभी कहीं से फूल ली थी, अब पता नहीं कहाँ से ली हूँ। तो मैं जाती हूँ आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी अंदर से। अरे बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फार्म है, इसलिए पता नहीं चलता। देखिए यहाँ से मैं लिए 30 रुपीस की है कश्मीरी गुलाब, आप देख सकते हो छोटे छोटे पौधे में। देखिए ये फूल भी है इतनी सी में, अब देखो मैंने इसमें भी ली हूँ कश्मीरी गुलाब, इसको बोलते हैं कश्मीरी गुलाब भी ली हूँ मैं। ये वाली ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, ये वाली ग्रोथ लेना था, एक्सचेंज कर देते तो अपने। देखो यहाँ इतनी प्यारी प्यारी गुलाब है, जितना भी आप गुलाब लोगे ना पेट दिल नहीं भरेगा। जो गुलाब के शौकीन होते हैं ना उनका तो गुलाब से पेट ही नहीं भरता, मेरी तरह मैं गुलाब के बहुत शौकीन हूँ। देखिए एक चीज़ ग्रोथ वाली बहुत अच्छी लगी, ये भी है, ये देख सकते हो आप। यहाँ बांस भी है, ये देखिए ये जामफल है पिदड़ू, यहाँ पर ये भी सब जामफल ही है, छोटी जाम ये भी जामफल है। देखिए छोटी छोटी पत्ते वाली है जामफल। आ क्यों है अंकल काके, देखो ये बड़े बड़े पत्ते की है, हम यहाँ से फर्स्ट टाइम देख रही हूँ छोटे पत्ते की जामफल, और ये बड़े पत्ते वाली जामफल। मोगरे हैं, अब देखो इतना बड़ा है जंगल सा, आम के पेड़े हैं, ये हर एक चीज़। देखिए चीकू भी हुई है, देखिए कलम चीकू है, चीकू भी हुई है लेकिन कच्ची है शायद चीकू, देखते चीकू पकी हुई है या कच्ची है। कि चीकू छोटी सी देखिए मैं तोड़ रही हूँ हाथ से, लेकिन तोड़ूंगी नहीं क्योंकि कच्ची है, इसलिए ये देखिए अभी कच्ची है चीकू। हम भी अपने बाड़ी में ज़रूर चीकू लगाएंगे। यहाँ इनका कबाड़ा पड़ा हुआ सब, ये है इनका पूरा गुलाब हुई है जो नर्सरी। यहाँ बहुत बड़ा देखो कुआं है, बहुत बड़ा कुआं, देखिए ये कुआं कितना बड़ा, देख के ही डर लग रहा है। काकी जरे काओ समर साथे, आ जरे झाड़ दिखावानो है, जरे काओ वीडियो में झाड़ दिखावन, जरे
देखो मैं जा रही हूँ, मुझे तो डर भी लगती है अंदर जाते वक्त। देखिए मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए इसको आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, करमंगा बोलती हूँ मैं, हम बाकी यहाँ क्या बोलते हैं इसको मालूम नहीं। मैं आप लोगों को ज़ोरदार करमंगे की जड़ दिखा रही हूँ। नारियल भी है शायद यहाँ, देखिए वो नारियल की झाड़ है। नारियल की झाड़ देखते हो, पापा का घर याद आता है यार, पापा के घर तो बहुत सारी नारियल की झाड़ है, खतरनाक इतना नारियल की झाड़ है। देखिए यहाँ करमंगे हैं, वाव आप सब देख सकते हो। इसको आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, ये तो मैंने भी ली हूँ, यहाँ बेचते भी हैं, मैंने ली हूँ। लेकिन ये अंकल ख़तरनाक कंजूस हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ, या जो भी है उसके रेट फिक्स है और फिक्स रेट के बगैर कुछ देते नहीं है, और हर एक चीज़ जो है मिल जाती है। यहाँ देखिए नीचे कितना झाड़ के नीचे, यहाँ देखो कितना सारा पड़ा हुआ है। ओ बाप, पूरी जंगल के बीच में मैं आ चुकी हूँ यहाँ के लिए। मुझे डर भी सी लग रही है लेकिन मैं जल्दी अभी चली जाऊँगी। देखिए यहाँ कितनी सारी नीचे पड़ी हुई है, देखिए किसी ने खा के फेंका है शायद, क्या पता। ये देखिए मेरे हाथ से, यहाँ देखो हाथ में छू ली हूँ, देखो इतना पास में नहीं नज़दीक में है, आप देख सकते हो है ना, ब्यूटीफुल। इसकी जड़ भी हम लगाएंगे ज़रूर वाड़ी में। जिसको पसंद है, जिसको भी ये चीज़ पसंद है, आप मुझे ज़रूर कमेंट और लाइक और शेयर में ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे तो बहुत फेवरेट है ये, मैं बड़े शौक से खाती हूँ। खट्टी मीठी लगती है और नमक लगा के मसाले डाल के खाओ, वाओ क्या लगती है, मेरे तो जान है, मुँह में पानी आ जाती है इसको देख कर। लेकिन हम किसी के बगैर इजाज़त के उसके घर चीज़ से तोड़ नहीं सकते या ले नहीं सकते, इसलिए मैं तोड़ नहीं रही हूँ, ले नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ 20 रुपये की, इसलिए 2 रुपये की, 2 रुपये की एक देते हैं ऐसा है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट है, आप देख रहे हो मैं यहाँ पर से चल रही हूँ। यहाँ पर भी देखिए झाड़ है, देख रहे हैं यहाँ पर, ये बड़ा है यार, ज़मीन के नीचे भी कितनी सारी पड़ी हुई है, देखो ओहो अंदर अंदर कितना है। है ना, यहाँ देखिए चीकू की जड़ है, यहाँ जामफल है, देख सकते हो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ। अब आपको गुलाब दिखाती हूँ, गुलाब की एक अलग सी ही है, ये कुआँ है देखिए, यहाँ देखिए एक फूल ऐसे है बेल टाइप, देखो कितनी खूबसूरत फूल है। यहाँ देखिए वो है क्या कहते हैं उसको, स्ट्रॉबेरी, ये देखिए स्ट्रॉबेरी की प्लांट है, खजूर है, पपीये हैं, अनार है, मतलब डाला डालम जिसको बोलते हैं वो भी है। यहाँ देखो कहाँ है, ये तो तुलसी है, सॉरी तो तुलसी है, डालम नहीं है। और यहाँ देखिए गुलाब ही गुलाब है, ये सारे ग्राफ्टेड गुलाब है। अभी ये जो पहले की पुरानी ही प्लांट है, अंकल बोल रहे थे अभी नई प्लांट आई नहीं है, कश्मीरी और ग्राफ्टेड गुलाब है सब, आप देख सकते हो। अंकल के यहाँ जामफल की झाड़ भी है, ये अंकल का बंगला है, अंकल का नहीं दिखा सकते ज़्यादा। और अंकल के वहाँ तो मैं अगर बात करते हैं, कोशिश करते हैं अंकल से बात करने की, अंकल बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि बहुत थोड़ा जब इतना बड़ा फार्म लेके बैठे हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी बनता है हर किसी को, तो सब बहुत थोड़ी स्ट्रिक्ट है वो, लेकिन ऐसे तो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ बात करते हैं, उनको बोलते हैं अगर हमारी चैनल के वाले कोई भी आते हैं वीडियो देखकर उनके पास, ये देखिए ये वाली प्लांट है, सो प्लांट है, हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। ये देखिए हैंगिंग प्लांट है, सब कुछ आप लोग देख सकते हो। हाँ अंकल, मेरे यूट्यूबर वालों को कुछ बोल रहे हो, मेरे यूट्यूबर वाले आएंगे, आपका रेट वेट कम होगा मेरे पास, मेरे मैं आप लोगों को बोल रही अंकल थोड़ा स्ट्रिक्ट है, अंकल के पास टाइम नहीं रहता है,
इसीलिए। लेकिन आपको दिखाती हूँ, यहाँ आम की है, मैंगो, चीकू, आम की प्लांट भी है यहाँ, जो मैंगो जो गर्मी में लगने से लगेगी अभी। ये वाली कलम मैंगो आम है क्या? अंकल बात करने के भी मूड में नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट वाले हैं भाई, लेकिन बहुत अच्छे हैं। इतना अच्छा प्लांट है, इतना अच्छा फार्म बनाए हैं, इसके लिए तो कितना टेंशन होती होगी, कितनी मेहनत लगती होगी। बहुत सारे यहाँ पर उनके पास लोग भी हैं जो करने के लिए। मैं तो काफ़ी सालों से आती हूँ, आप देख सकते हो मेन रोड पे ही है। चलिए हम वीडियो का एंड यहीं करते हैं। मेरी चैनल पसंद आए तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग अगर यहाँ आओगे लेने तो आप लोगों को एक अच्छे से अच्छी प्लांट मिल सकती है, लेकिन हाँ यहाँ फिक्स रेट है, यहाँ रेट के मामले में कुछ भी दो तीन आता नहीं है। यहाँ अंकल थोड़ी स्ट्रेट है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा है यह, बहुत अच्छा है। चलिए हम रखते हैं, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद। अंकल ये किस चीज़ की पेड़ है, इतनी बड़ी फूल हुई है, किस चीज़ का पेड़ है ये?